सोच के जब मैंने ये सुना, उससे जब बात की, एंड आई वाज लाइक शिट, एक औरत होकर दूसरी औरत को इस मुसीबत के समय भी तुम सपोर्ट नहीं कर सकती। वो पूरी लेडीज कंपार्टमेंट में मेरी फ्रेंड अकेले झगड़ा कर रही थी, अकेले चिल्ला रही थी, और वो लड़का लिटरली उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लड़के वो अजीबोगरीब तरीके से बात कर रहे थे। मेरी फ्रेंड ने धमकी तक दिया कि मैं पुलिस को कॉल करूंगी। फाइनली उसको कॉल करना पड़ा, पुलिस आई, उन लड़कों को निकाला। लाइक सीरियसली, अगर एक औरत होकर तुम दूसरी औरत की, लाइक वो आंटी की दो बेटी भी हमारे एज की, लाइक सीरियसली आप सोच सकते हो कितनी मानसिकता खराब होती है। लाइक कभी कभार तो हमारे कपड़ों पर भी बोला जाता है कि हमारी गलती है, हमने ऐसे कपड़े पहने, हमने लड़कों को फोर्स किया, हमने लड़कों को बोला आके टच करो। हम लड़कियां कभी बोलती है आके टच करो? कोई भी लड़की नहीं बोलेगी ये। तो ये जो सोच होती है ना इंसान की, भाई मैं एक एक टाइम सोचती हूँ कि भाई हम कौन से दुनिया में रहते हैं। लाइक इज आउट देयर, मतलब वो डेली इस चीज़ों को झेल रही है। वी फीमेल्स आर वेरी स्ट्रॉन्गर, बाप रे, हम में मतलब इतनी सहन शक्ति है ना, बाप रे बाप। तो ऐसे ही टॉपिक्स पे, एक्चुअली बोलने का मन तो नहीं था, बट कितने बार हुआ है बस में गाँव जाने वक्त या ट्रेन में गाँव जाते वक्त, तो वो जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, लाइक मेरे साथ बहुत हुआ है। और अभी भी कभी जाती हूँ तो लोगों का वो जो नज़रिया होता है वो बहुत अजीब तरीके का होता है। लाइक आई एम नॉट इन्वाइटिंग एनीवन कि आओ आके टच करो, बट स्टिल उनकी सोच, उनका देखने का तरीका या उनका बिहेवियर, कभी कभी मुझे इसीलिए लड़के नहीं पसंद सच बोल रही हूँ, मुझे इसीलिए मतलब लाइक कोई पसंद ही नहीं आता कि नहीं मुझसे नहीं होगा किसी को। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हमेशा लेडीज कंपार्टमेंट में ही रहती हूँ और अपने आप को भाई रैप करके निकलती हूँ, बट फिर भी एक एक टाइम ऐसा होता है कि पता नहीं क्या कर लिया मैंने। नॉट ओनली इन ट्रेन, बस, मेट्रो, बट इन मंदिर में भी मैंने ये चीज़ को फेस किया, इन गर्दी, बाप रे। उस दिन तो मैं ऐसी ट्रॉमाटाइज्ड हो गई, मैं पूरी शांत हो गई। मैं घर पे आई, मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी देखो मेरे साथ ये हुआ। और आप सोच सकते हो वो एक मंदिर में थी मैं, और एक्सक्यूज़ क्या था कि मैडम गर्दी बहुत है। और छी यार, मेरे को नहीं बोलना। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ओवरबोर्ड हो जाते हैं कुछ और टॉपिक्स को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर। मैं और मेरी फ्रेंड इतनी तरीके से हम लोग दोनों डिस्कस कर रहे थे कि मैं खो गई उस टॉपिक में, और मैंने सोचा कि नहीं मुझे शेयर करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। लाइक यस, हम फीमेल्स को फील करना पड़ता है। और